प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक कविता पर व्याख्यान दे रहे हैं। सामान्य जानकारी आधुनिक कविता, आधुनिक काव्य के बारे में। हिंदी में जो आधुनिक कविता है उसका युग भारतेंदु हरिश्चंद्र से आरंभ माना गया है। इस काव्य गगन के नवेंदु में विकास की आस भरी हुई थी। हरिश्चंद्र जी ने ब्रजभाषा में ही कविता की। उन्होंने उसमें सारयुक्त और अपने स्वयं के शक्तिपूर्ण प्रयोग कर एक प्रकार का नवीन कार्य किया। उनके इस कार्य से ब्रजभाषा का संकुचित वातावरण मुक्तोन्मुख हो गया। उन्होंने अलंकारों और नायिका भेद के संकुचित व्रत से निकलकर देशभक्ति और समाज सुधार के द्वार खोल दिए। साहित्य में गद्य की वृद्धि होने लगी। ब्रजभाषा गद्य के लिए अनुपयुक्त थी, खड़ी बोली उठ खड़ी हुई। ब्रजभाषा श्रृंगार बाहुल्य के कारण सोती रह गई एवं खड़ी बोली उठ खड़ी हुई। खड़ी बोली के प्रथम आचार्य होने का श्रेय भी द्विवेदी जी को ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को इसका श्रेय जाता है। इनके साथ ही श्रीधर पाठक का भी नाम आता है। श्रीधर पाठक की कविता में भाषा का निखार है और माधुर्य मिलता है। उसमें सहृदयता और सरसता भी है। उनको सच्चा कवि हृदय मिला और भाषा के ऊपर भी उनका पूर्णतः अधिकार था। वर्तमान कविता की प्रगति पर हम दो दृष्टियों से विचार कर सकते हैं, एक तो भाषा और दूसरा उसकी शैली। दूसरा भाषा शैली की दृष्टि से और दूसरा है विचार की दृष्टि से। इसके बाद पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय कविवर सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। उपाध्याय जी ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि बहरों की प्रणाली पर उन्होंने ही कविता की है। बात कैसे बता सके तेरी, है मुंह में लगे हुए ताले, बावले बन गए ना, ये उन्होंने लिखा है। और फिर इसके बाद वो लिख रहे हैं कि बोल सके बाल की खाल काटने न बोल सके बाल की खाल काटने वाले, यानी जो बाल की खाल काटने वाले लोग थे वो भी फिर मूक बन गए हैं, उनके बोली नहीं आ रही है उनको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंदन पंत ने काव्य में अक्षरों की गणना का नियम न रखकर मुक्त छंद में अपनी कविता लिखी और उसमें मुक्त सरिता की सी लय ताल में गति रहती है। प्रवाह ही उसका नियम है। एक उदाहरण, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, द्रग बंद किए शिथिल पत्रांक में। प्रगतिवाद ने इस छंद की पद्धति को अपनाया, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन कवियों ने प्राचीन गौरव गरिमा जाति एकता, भारत माता की शक्तिशाली विशाल काय सौंदर्य और संगठन आदि भावों का प्रचार कर देश में उठते हुए राष्ट्रीय भावों की पुष्टि की है। वर्तमान कविता में दुखवाद का अंतःस्रोत बह रहा है, यद्यपि उसमें राष्ट्रीयता प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिक काव्य के अंतर्गत ऐसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रीयता के बारे में अपनी कविताओं का सृजन किया है। यहाँ उसमें देश के तत्कालीन क्रंदन की प्रतिध्वनि है, यानी देश में वर्तमान में क्या हो रहा है, ये कवि का जो कर्म है वो मुख्य बन गया है और उसके ऊपर ही वो कविताएं लिख रहे हैं। आधुनिक कविता में प्रकृति भी दुख से व्यथित दिखाई देती है। जैसे गगन के डर में भी है घाव, देखती ताराएं भी है राह, बंधा विद्युत छवि में जल प्रवाह, चंद्र के चितवन में भी चाह। यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं उन्होंने श्री कृष्ण प्रवास से दुखी गोपिकाओं का करुण क्रंदन सुनाया। प्रिय प्रवास के जो कृष्ण हैं ये विलासी नहीं है, वे दीनों के रक्षक हैं और सहायक के रूप में दिखाए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त का साकेत जो काव्य है वो रामोपासना को आगे बढ़ाता है। इसके बाद छायावाद के जो चार चतुष्टय कवि माने गए हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा, ये कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का गौरव ग्रंथ है
और उसमें ज्ञान इच्छा व क्रिया का संदेश है, इसलिए हम कामानी को महाकाव्य की श्रेणी में रखते हैं। साकेत संत और वेदेही वनवास गांधी जी की शांति नीति से ही प्रभावित हैं। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र में युद्ध के दोनों पक्षों पर विवेचन किया गया है। इनके महाकाव्यों में गंभीर विचार विमर्श के साथ प्रगीत तत्व भी पर्याप्त मात्रा में रहता था। साकेत, कामायनी, वेदेही वनवास सब में सुंदर सुंदर गीत आए हैं और छायावाद के चार चतुष्टय कवि भी इसके बारे में बहुत अपने काव्य के अंतर्गत लिखते हैं। छायावाद में रहस्यवाद का उदय हुआ। रहस्यवाद में गुंगे के गुड़ की भांति आत्मा और ईश्वर के संबंधों का वर्णन रहता है। महादेव वर्मा का रहस्यवाद, यानी महादेव वर्मा भी अपने काव्य में लिखती है कि वह अदृश्य प्रियतम की चाह रखती है, वह उसी से प्रेम करती है, उसी के दर्शन करना चाहती है, इस जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है, तो इसमें रहस्यवाद है। यहाँ इसमें वियोग का दुख है और मिलन सुख दोनों ही दिखाए जाते हैं, इसलिए इसमें आलोक व छाया दोनों रहते हैं और निहार किसी अस्पष्टता आ जाती है। महादेवी ने निहार, रश्मि, सांदेगी, फिर उन्होंने नीरजा भी लिखा। दीपशिका में बड़ी सुंदर आध्यात्मिक जो कविताएं उनके अंतर्गत उन्होंने ली, वो वास्तव में इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकती है। आधुनिक कविता के युग पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव रहा और गांधीवाद दोनों का ही प्रभाव रहा, तो मार्क्सवाद और गांधीवाद ये दोनों ही आधुनिक कविता में सम्मिलित रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ कामायनी में सरल जीवन की पुकार है और यांत्रिक सभ्यता का विरोध है। साकेत निष्क्रिय प्रतिरोध की छाया है व अधिकारियों की मांग है, यानी कामायनी में सरल जीवन और की पुकार व यांत्रिक सभ्यता का विरोध है। लेकिन ये भी आप देख लीजिए कि कामायनी को लिखने वाले जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 8वीं पास थे, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, इन भाषाओं का उनको बहुत सारा ज्ञान था। जब हम कामायनी की प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक शब्द को देखते हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत अधिक पढ़े लिखे कवि के द्वारा रचित किए गए होंगे। जैसे पहला ही उन्होंने पद लिखा है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाहें, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो कितना सुगठित शब्द योजना का प्रयोग यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने इस कामायनी के अंतर्गत यहाँ किया। कामायनी में यहाँ जो जयशंकर प्रसाद ने यहाँ अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है, वहाँ साकेत निष्क्रिय प्रतिरोध की छाया व अधिकारों की मांग है। इसी आंतरिकता के ही फलस्वरूप अमूर्त भावों का सुंदर चित्रण होने लगा और कामायनी में चिता को अभाव की चपला वाली के तरल गरल की दबलहरी कहकर सुंदर चित्रण उनके द्वारा किया गया है। तरल आधुनिक कवियों ने मानव गौरव खूब गया है। कविता के विषय राजा रानी न होकर दीन दुखी बन गए, पतित, दलित, कुरूप, श्रमजीवी और पेट और पीठ की एकता रखने वाले अकाल पीड़ित लोगों में देवी सौंदर्य देखा जाता है और यही हमारे इस आधुनिक काल के इस छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, प्रमुख विशेषता है। तो आधुनिक काल के बारे में आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। धन्यवाद।